सरोकार। सपा के दिग्गज नेता दारा सिंह यादव ने दिया इस्तीफा। लखनऊ से खबर बता दें आपको, जहां सपा के दिग्गज नेता दारा सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया है। अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय में दिया इस्तीफा, जहां सपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जहां अखिलेश यादव के निजी सचिव गंगा राम को दिया गया ये इस्तीफा। लगभग 10 सालों से पार्टी में दे रहे थे अपना पूरा समर्थन। बता दें आपको, जहाँ सपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, सपा के दिग्गज नेता दारा सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया है। अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय में दिया इस्तीफा। अखिलेश यादव के निजी सचिव गंगा राम को सौंपा इस्तीफा। लगभग 10 सालों से पार्टी में दे रहे थे अपना पूरा समर्थन। कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सदर शाखा का शुभारंभ किया गया लखनऊ से बता दें आपको, नए भवन का शुभारंभ करेंगे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर। बाइक और स्कूटी में टक्कर होने पर मचा बवाल। फरीदाबाद से खबर बता दें आपको, जहां पे बाइक और स्कूटी में टक्कर होने के बाद बवाल हो गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बाइक और स्कूटी सवार के बीच रोड पर सरेआम मारपीट हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस के सामने भी हुई जमकर मारपीट। वायरल वीडियो फरीदाबाद के बाटा फ्लाईओवर का बताया जा रहा है। आपको बता दें, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, स्कूटी और बाइक में टक्कर के बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया और जमकर मारपीट भी हुई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दोनों पक्षों में मारपीट हो रही है। बाइक और स्कूटी सवार के बीच रोड पर सरेआम मारपीट हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। चाइनीज मांझा बनता जा रहा लोगों के लिए मुसीबत। आपको बता दें, चाइनीज मांझा जो है वो लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बच्ची घायल हो गई है। माँ पिता के साथ बाइक पर बैठकर जा रही थी बच्ची, जिसके बाद वो चाइनीज मांझे का शिकार हो गई। चौक पोस्ट ऑफिस के पास मासूम बच्ची हुई चाइनीज मांझे का शिकार। चाइनीज मांझे के कारण आए दिन होते हैं कोई ना कोई हादसे। चाइनीज मांझा बनता जा रहा है लोगों के लिए मुसीबत। आपको बता दें, लखनऊ से खबर आ रही है, जहां एक बच्ची घायल हो गई है चाइनीज मांझे की चपेट में आने से। माँ पिता के साथ बाइक पर बैठकर जा रही बच्ची हुई चाइनीज मांझे का शिकार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, जबकि चाइनीज मांझे पर बैन होने के बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ है मामला पूरा? देखिए, जिस तरीके से ये चौक में रहने वाली एक मासूम बच्ची है, जिसको जो सुबह जो है अपने परिजन के साथ जो है जा रही थी बाइक पर, उसी दौरान जो चाइनीज मांझे का वो शिकार हुई, जिसके कारण उसका उसके नाक और आंख और साथ साथ जो हाथ की उंगलियां हैं वो कट गई, जिसको लेकर के तत्काल जो हॉस्पिटल भागा गया, वहाँ इलाज चलाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पुलिस चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाने का दावा करती है, लेकिन दावा जो है पूरी तरीके से खोखला इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि लगातार उस पर कोई भी लगाम नहीं लग पा रही और अक्सर लोग उसका शिकार भी हो रहे हैं। फिर चाहे बात की जाए अभी हाल ही के दिनों की, गोमती नगर की बात की जाए, ठाकुरगंज की बात की जाए, अलीगंज की बात की जाए, ऐसे कई हादसे हैं, लेकिन उन हादसों के बाद भी जो पुलिस है वो सख्ती से पेश नहीं आ रही है। और एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मेट्रो चल रही है, मेट्रो की ओर से भी एक रिटर्न में दिया गया था कि चाइनीज मांझे पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उसके कारण जो अक्सर मेट्रो को भी बाधित होना पड़ता है, क्योंकि जो उसके वायर हैं उन वायरों में जब चाइनीज मांझा फंसता है तो जो ट्रेन निकलती है उसको भी रुकना पड़ जाता है, क्योंकि ये एक बड़ी हादसे को जो है दावत भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं और अक्सर इस पर लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे जो आम जनमानस है उसकी जान को लगातार खतरा भी बनता हुआ इससे साफ जाहिर हो रहा है। जी, तो जो बच्ची अभी घायल हुई है कलीम, अभी क्या हालत है? वो गंभीर है कि मतलब अभी स्वस्थ है? देखिए, जिस तरीके से वो जो मासूम घायल हुई थी उसकी हालत तो खतरे से बाहर है, क्योंकि वो ज्यादा गंभीर शिकार नहीं हो पाई, क्योंकि उससे पहले ही परिजनों ने अपनी गाड़ी रोक ली थी। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर उन लोगों ने गाड़ी ना रोकी हुई होती तो बच्ची एक गंभीर रूप से शिकार भी हो सकती है, गंभीर रूप से घायल भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो भी चाइनीज मांझे का शिकार हुआ है वो कम से कम
महीना भर या हफ्ता भर वो बेड पर रहा है, लेकिन ये बच्ची किस्मत की कही जा सकती है, धनी थी, क्योंकि परिजनों ने इसका तुरंत ठीक देख करके जो उसको जो सचेत हो गए, इसके कारण जो है बच्ची जो बच गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है चाइनीज मांझा एक बड़े हादसे को न्योता दे रहा है इसको लेकर। ठीक है, ठीक है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद कलीम। छह लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे, लखनऊ से खबर बता दें आपको, जहां छह लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। मोबाइल और चैन शहर में लूटने का करते थे काम, तो बता दें छह लुटेरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। हसनगंज पुलिस ने छह लुटेरों को दबोचा, पकड़े गए लुटेरों के पास से मोबाइल सहित लूट का सामान भी बरामद किया गया है। प्रदेश भर के सारे पटवारी आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। रायपुर से खबर बता दें, जहां प्रदेश भर के सारे पटवारी आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर राजस्व हड़ताल करेगा। नवा रायपुर के तूता घटना स्थल पर करेंगे प्रदर्शन। वेतन विसंगति दूर, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति जैसी मांगों को लेकर करेंगे हड़ताल। प्रदेश भर के सारे पटवारी आज अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आपको बता दें, रायपुर से जहां खबर आ रही है, आठ सूत्री मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ का होगा हड़ताल। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर करेंगे प्रदर्शन। वेतन विसंगति दूर, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति जैसे मांगों को लेकर करेंगे हड़ताल। प्रदेश भर के सारे पटवारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। आपको बता दें, रायपुर से खबर आ रही है, जहां आठ सूत्री मांगों को लेकर राजस्व पटवारी आज हड़ताल करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रतीक जुड़ चुके हैं। तो प्रतीक, किन मांगों को लेकर जो राजस्व संघ है वो किन मांगों को लेकर हड़ताल कर रही है? जी निशा जी, बता दूं, प्रदेश भर के सारे पटवारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। उनके आठ सूत्री मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ का हड़ताल आज नया रायपुर में धरना स्थल स्थित में हड़ताल करेंगे। जी, वेतन विसंगति, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति जैसी कई मांगों को लेकर ये हड़ताल करेंगे। जो तो प्रशासन कुछ कर रहा है उनकी मांगों के लिए, कोई कार्रवाई की है प्रशासन ने? अभी हड़ताल का पहला दिन, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है निशा जी। और एक चीज यहाँ बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश के सभी कर्मचारी लगातार हड़ताल पे जा रहे हैं। अभी हमने देखा बीते दिनों सचिव संघ ने भी हड़ताल की थी, अभी अभी उनका हड़ताल को उन्होंने बंद किया है। जी ठीक है प्रतीक, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद।